अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ मोमोज, वो भी गाजर के जूस से बना रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं माशाल्लाह, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी तो आपने लाइक कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक गाजर मैंने ली है, ज़रूरत के हिसाब से आप को जितनी ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। बेसिकली करना क्या है, हमें जो है गाजर का जूस चाहिए। तो मैंने एक गाजर लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है और एक कप मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम उबाल लेंगे। ज़्यादा बॉईल करने की इसको ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 मिनट ही काफ़ी हैं। तो देखें, इसको मैंने अब छान लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल ऐड की है। अब पानी की जगह हम गाजर का जो जूस है वो यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो बेसिकली हमें नॉर्मल डो ही बनाना है। बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत हेल्दी है। तो आटा हमारा रेडी हो चुका है, थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे साइड पर। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, चिकन भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी आप इसका चिकन का कीमा बना सकते हैं, अगर बाज़ार से लेना चाहें तो वो भी ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैं घर पे बना रही थी और साथ साथ इंजॉय भी कर रही थी। तो देखें, हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है और फ्रेश हरा धनिया। आप चाहें तो इस पॉइंट पे कॉर्न डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो देखें, मैंने तो बहुत कम मसाले यूज़ किए हैं। अब यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, तो रोटी के लिए जो है वो आप पीसीस अपने चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। आपने छोटे पीस में रखने हैं, बड़े रखने हैं, तो किसी भी चीज़ जो भी घर पे हो, कोई भी कवर हो, उसके साथ आप जो है इनके पीस बना सकते हैं। तो देखिए जी, मैंने जो है मीडियम साइज़ रख लिया है। अब यहाँ पे चिकन का पेस्ट मैं ऐड करूँगी और डिज़ाइनिंग जो इसकी देनी है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, सिंपल एज इट इज़ भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान स्टेप है, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते रहेंगे। तो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसे घर पे बना सकते हैं। और बेस्ट ये है कि बहुत हेल्दी रहती है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी शौक से खाते हैं। और ये देखिए, मोमोज हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब हम इन्हें करेंगे स्टीम, और इसके लिए मैंने पतीले में थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और छोटी इलायची होती है उसके पीस डाले हैं और थोड़े सारे लौंग के डाले हैं टेस्ट के लिए, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। अब बर्तन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको सूट करता हो। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लिया था और इस तरह से फिर मैंने जितने भी मोमोज आते थे तो उसके ऊपर मैंने सेट कर दिए और इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने स्टीम कर। आप भी बनाएं, इंजॉय करें, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं माशाल्लाह से, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, उनके फेवरेट हैं। तो देखिए जी, 30 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है और रिज़ल्ट आपके सामने है माशाल्लाह से ज़बरदस्त। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।